विधानसभा के इतिहास में पहली बार बाल सत्र का आयोजन हुआ। देश प्रदेश से 200 बच्चे विधायक और मंत्रियों की भूमिका में विधानसभा पहुंचे। इस दौरान बच्चों से सीएम गहलोत ने कहा, आने वाला कल आपका है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सत्र और आज के सत्र में अंतर केवल इतना था कि आज विधायकों और मंत्रियों की भूमिका में बच्चे थे। प्रश्नकाल के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े सवाल पर गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बच्चों ने हंगामा किया और वेल में आकर धरना दिया, नारेबाजी की। कुछ समय बाद हंगामा शांत हुआ। शून्यकाल में नेटबंदी और नौजवानों के रोजगार से जुड़े मुद्दे उठे। नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सदन से वॉकआउट भी हुआ। सीएम गहलोत ने कहा कि अनेकता में एकता हमारी सोच है, ये संभव हुआ संविधान के कारण। कांग्रेस ने देश को एक रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताते हुए कहा कि कानून बनाते वक्त सदन में संवाद कम हो रहा है, सदन में व्यापक चर्चा के बाद कानूनों का निर्माण होना चाहिए। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि हमें बच्चों के मन की बात सुनकर उसके हिसाब से नीतियां बनाने पर सोचना होगा। हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी स्थापित है। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है टूट गए। रशिया जैसा मुल्क टूट गया, उसके 15-16 टुकड़े हो गए एक मुल्क के, जो सुपर पावर थी अमेरिका के मुकाबले की। हमारे मुल्क में अनेक जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएँ हैं, वर्ग है, उसके बावजूद भी हम एक रहे, अखंड रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क। ये जो सोच है हमारे लोकतंत्र में, संविधान की जो भावना है, मूल भावना, उसके कारण संभव हुआ। एक लंबी चर्चा और संवाद का जो दौर था वो धीरे धीरे शने शने कम होता जा रहा है। इसलिए कानून बनाते समय अगर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी तो हम बेहतर कानून बना पाएंगे और ठीक से कानून को लागू कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश के मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, उन मुद्दों के अंदर भी आज जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ये जो 200 जो जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विधानसभा में जो बच्चे हैं, इन्होंने जो कंटेन दिया है उन कंटेन को एनालिसिस करें। शिक्षा में क्या परिवर्तन करना है, स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन करना, इनके मन में और क्या कल्पना है, क्योंकि इनके मन में यदि नेगेटिव कल्पना हुई तो देश के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। आज इस आईटी के माध्यम से बच्चे जो जानकारी ले रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उन माँ बाप को मालूम नहीं है कि इस आईटी के माध्यम से इस मोबाइल में क्या चीज़ है। इस मोबाइल में सारे गुण है, इस मोबाइल में सारे अवगुण है। यदि माता पिता को हम बता नहीं पाएंगे कि इन बच्चों को आईटी के माध्यम से जानकारी देकर हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा जानकार बना सकते हैं, वो भावी देश के नागरिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि यहाँ जनप्रतिनिधि की भूमिका में आए 200 बच्चों के मन में जो कल्पनाएं हैं, वे जो विचार प्रकट करते हैं, उनका कंटेंट एनालिसिस होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान विभाग को कंटेंट एनालिसिस करना चाहिए। विधानसभा के बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही चली। शून्यकाल में नेटबंदी और नौजवानों के रोजगार से जुड़े मुद्दे उठे। नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सदन से वॉकआउट भी हुआ। बच्चों ने विधायकों की तरह ही जनता से जुड़े असली सवाल पूछे, जो विधानसभा के प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। सवालों का मंत्री बने बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बच्चों ने हमसे अच्छे अनुशासन में सदन चलाया, हम तो सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते रहते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश के 15 राज्यों से बच्चों को बुलाकर बाल सत्र आयोजित कर अध्यक्ष ने इतिहास बनाया है। विधानसभा के बाल सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोती काश्विनी गहलोत ने भी विधायक की भूमिका में हिस्सा लिया। काश्विनी को आगे मंत्रियों वाली सीटों पर जगह दी गई थी। काश्विनी ने स्कूली बच्चों को वन्य जीवन और पर्यावरण से परिचित करवाने के लिए जंगल के टूर पर ले जाने का सुझाव दिया। काश्विनी ने कहा, स्कूली बच्चों को जंगली जानवरों और पर्यावरण की जानकारी देने के लिए स्कूलों की तरफ से टूर आयोजित करवाने चाहिए। जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगली जानवरों और खासकर बाघ संरक्षण के लिए जागरूक करें। वाइल्ड लाइफ को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। जंगलों के आसपास रहने वालों का जीवन बहुत कठिन होता है, इन दुर्गम इलाकों के बारे में स्कूली बच्चों को परिचित करवाना चाहिए। वास्तव में आज आप
ने जो तैयारी करके सदन को जिस ढंग से चलाया आपने, बहुत शांति से चलाया, हम डिस्टर्ब करते रहते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये देश कितना महान है कि 70 साल में इस देश के लोकतंत्र के, जनता के निर्णय को सबने सर माथे पर रखकर इसकी पालना की। जंगली जानवरों को बचाने के लिए, खासकर बाघों के संरक्षण के लिए, विभाग जंगली इलाकों के आसपास के लोगों को जागरूक करें। ग्रामीणों की जान बचाने और जानवरों को शिकारियों से दूर रखने के लिए प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है। जंगलों के आसपास के लोगों का जनजीवन काफ़ी कठिन होता है। बच्चों को इन दुर्गम इलाकों से परिचित कराने की ज़रूरत है। वक्त की ख्वाहिश है, एक ऐलान है, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ इस बाल विधानसभा का ऐतिहासिक परिणाम आने वाले वक्त में हमारे मूल की स्त्री जाति को एक नए सम्मान की तरफ अग्रसर करेगा। विधानसभा के बाल सत्र में दिखी बालिका शक्ति की झलक, 50% के लगभग बच्चियां बनी सदस्य। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बच्चियों ने निभाई। जानवी शर्मा ने स्पीकर की भूमिका को निभाया। डिजिटल बाल मेला की फाउंडर मीना शर्मा भी महिला है। बहरहाल बच्चों की जन प्रतिनिधि के तौर पर परफॉर्मेंस जोरदार रही। ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को उठाकर सीएम गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ध्यान खींचा। असली मंत्रियों और विधायकों ने गैलरी में बैठकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बाल संसद की सफलता को देखते हुए ओम बिरला ने कहा कि अन्य राज्यों की विधानसभा में भी बाल सत्र देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।